बस अब और नहीं, अब तो मैं एक भी और जलेबी नहीं खा सकता। ये तो चीटिंग है, ये तो नकली जलेबी है। नकली जलेबी? ये जलेबी तो प्लास्टिक की बनी है, यानी ये खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब इस जलेबी के आकार में यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा। ओहो हो भल्ला अंकल, जलेबी को पॉकेट में भरना नहीं है, खाना है। जलेबी खा के तो बहुत मजा आया, चलो अब और खाते हैं। नहीं चाचू, जलेबी थी इसलिए बच गए, कहीं और जाते तो मुसीबत हो जाती। यो बोर्ड गेम तो मन्ने बड़ा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। सही कह रही है बंदूकनी जी, भागो। लगता है हमें खेल खत्म करना ही होगा, तभी हम इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे। मन्ने अपना मेकअप नहीं खराब करना, और कानून के हाथ और बंदूक की लाश से कोई ना बच सके है। पर लगता है यहाँ बंदूकनी की लात नहीं चलेगी। हमारा सारा मेकअप खराब कर दिया। जाइए बंदूकनी जी। ओए, ओ तन्ने मेरा मेकअप खराब कर दिया, तन्ने इब देखती हूँ। हाँ, ये क्या है? कैलरी देने के लिए थैंक यू पल्ला जी, आप कितने दिलदार हो। ओ चाचे, कहाँ जा रहे हो? अरे अब तो मैंने सैलरी भी दे दी, अब तो इस बंदर को मेरे सर से उतारो। बंदूकनी जी, आपको देखकर तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। चाचे, वैसे मेरी उम्र है ही कितनी, सिर्फ 20 साल। बंदूकनी जी, ये मंकू है, खोजी अंकल का नया आविष्कार। ये आपके सिर से तब तक नहीं उतरेगा जब तक आपके सामने कोई झूठ ना बोले। खोजी के बेतुके आविष्कार, अब बहादुर जल्दी से कुछ झूठ बोल। पर मैडम जी, मैं आपके सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ? बोलना पड़ेगा, और जल्दी बोल। यस मैडम जी, आप जो है ना, आप एक बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर हो। बहादुर सच नहीं, झूठ बोल। यस मैडम जी, आप जो है ना, दुश्मनों को नानी याद दिला देती हो। बहादुर मैडम जी, मुझे लगता है आप बड़ी सुंदर हो। बावड़ी बोझ भैंस की पोछ। बंदूकनी जी, आप बताना तो भूल ही गई कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था। मन्ने डंका ढोलकी को गिरफ्तार कर लिया सै, उन्होंने कुछ गहने चुराए थे और कहीं छुपा रखे सै। वो दोनों इब मन्ने उन गहनों तक ले जाएंगे, पर मन्ने उन पर भरोसा ना से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ रहो। घबराइए मत बंदूकनी जी, सिर्फ हम दोनों नहीं, मंकू भी आपके साथ है, और मंकू के रहते सबका झूठ पकड़ा जाएगा, देख लेना। चलो ए डंका ढोलकी, छुपाए हुए गहनों का रास्ता बताओ, चलो।
सच में गहनों तक ले जाओगे क्या? गहनों तक नहीं, गड्ढे तक। वो गड्ढा जिसे हमने पत्तों से छुपा रखा था वो किस तरफ है? सामने की तरफ। अब आएगा मजा। इन में से किस रास्ते पर तुमने गहने छुपाए हैं? बोलो। ये जो बाई ओर का रास्ता है ना, वहीं पर हमने गहने छुपाए हैं। मुझे मारना सिखा रहे हो या मार खाना सिखा रहे हो? क्या हुआ तुझे? भूत देख लिया क्या? उससे भी डरावनी चीज, ये वही दादी माँ है जिसने मुझे मारा। चिंचे जल्दी कहीं छुप जाओ, कहीं तुम्हें भी मारना पड़े। पर इस दादी माँ के साथ चाचा आप क्या कर रहे हैं? देखे तो जरा। बुआ, सरप्राइज! पेश है आपके लिए एक नई लाठी जिसमें बहुत सारे गैजेट्स हैं, जो हमने खास खोजी अंकल से आपके लिए बनवाई है। अरे वाह बिटवा, तू तो हमारा बहुत ही ध्यान रखता है। आइए मैं आपको इस लाठी के कुछ कारनामे दिखाता हूँ। देखिए बुआ, ये लाठी आपके लिए वो फूल लेकर आएगी। मुझे दादी के पास नहीं जाना, वो बहुत मारेगी। बचाओ। ये लाठी कहाँ फंस गई? ये लाठी बुआ से ज्यादा हमारे काम की है। मैं किसी भी तरह इस लाठी को बुआ से लेकर रहूंगा। अरे बिटवा, तुमने तो हमको खुश कर दिया रे। अब इस खुशी में हम तुमको लॉलीपॉप दिलाती हूँ, चलो। चाचा अकेला है, यही सही मौका है लाठी चुराने का। लकड़ी भाई साहब, जरा रास्ता पार करवा देंगे? ओ फिकर नॉट, चाचा है ना। भाई साहब संभल के। ओए आपको कहीं लगी तो नहीं? ओ सॉरी। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। तैयार हो जाओ फंटोश नगर वालों, अब कोई नहीं बचेगा। सुंदर, अति सुंदर, लाजवाब, बेमिसाल। कहीं इस सुल्तान को मेरा राज पता तो नहीं चला? वल्ला, क्या ये रंगीला की राजाई पेंटिंग है? सही फरमाया सुल्तान साहब, ये रंगीला की ही पेंटिंग है। पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पेंटिंग के अंदर का राजा हमारे सामने ही खड़ा है? यही तो इस पेंटिंग की खासियत है, ये एक 3D पेंटिंग है। अरे ये 3D वीडी छोड़िए सुल्तान, ये सब नए चोचले हैं। पर इस पेंटिंग में कुछ तो है जो हमारा ध्यान खींच रहा है। भाग जा मक्खी, मुझसे दूरी रहना। मुझे ये बताओ, पेंटर ने क्या सोच कर ये तस्वीर बनाई? सुल्तान साहब, ये पेंटिंग अभी अभी हिली। वल्ला, इस पेंटिंग में राजा बाएं से दाएं ओर कैसे आ गया? सुल्तान साहब, यही तो इस पेंटिंग की खासियत है, आप इसे जिस तरफ से देखेंगे राजा भी आपको उस तरफ से दिखेगा। ओ वल्ला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जलेबीज, ओ ये स्टैचू खेलते खेलते मुझे भूख लग गई है। अब जलेबी देख कर तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। सुल्तान साहब, जरा देखिए तो, इस पेंटिंग ने आपकी सारी जलेबी खा ली।
वल्ला, पेंटिंग जलेबी कैसे खा सकती है? सुल्तान साहब, पेंटिंग जलेबी नहीं खा सकती, पर इंसान तो खा सकता है ना? तुम मेरी सारी जलेबी खा गई और इल्जाम उस पेंटिंग पर लगा रहे हो। ओए नहीं नहीं, इस फूल से मुझे एलर्जी है। ओए नहीं, अब माफ करना, लगता है मुझे सर्दी हो गई है। बच्चा इस पेंटिंग की हरकतें छुपा रहा है। मुझे किसी तरह से वो पीला फूल इस पेंटिंग को फिर से सुंघाना होगा, तभी ये पेंटिंग फिर से चमकेगी। वल्लाह, वो रहा पीला फूल, जाओ और जाकर ले आओ। हाँ, पीला फूल मिल गया, पीला फूल। पर ये कौन बोला? खैर छोड़ो। बदतमीज कहीं के। अब सच सबके सामने आकर रहेगा। ओ, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा जूस पी लूं, कोई देख भी नहीं रहा।